हाय, पिछले कुछ दिनों से मार्केट रिकॉर्ड हाईस पे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स 16,600 और 55,700 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो अपने 52 वीक हाई से डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही हैं। आज हम आपको बताएंगे ऐसे लार्ज कैप स्टॉक्स के बारे में जो अपने 52 वीक हाई से 20-30% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अपने 52 वीक हाई से स्टॉक्स कितना परसेंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने 17th ऑफ अगस्त 2021 यानी कि ट्यूसडे को मार्केट क्लोज होने के बाद जो प्राइजेस थी उनको कंसिडर किया है। इस लिस्ट में हम आपको उन्हीं स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज़्यादा, डेट टू इक्विटी 1.5 से कम है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% से ज़्यादा है और जिनकी सेल्स पिछले 5 साल में 10% के रेट से ज़्यादा कंपाउंड हुई हैं, यानी कि ये कंपनीज प्रॉफिटेबल होने के साथ तेज़ी से ग्रो भी कर रही हैं। इस लिस्ट को हम असेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट करेंगे, यानी कि जो स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई से सबसे ज़्यादा डाउन हैं उनके बारे में हम आपको एंड में बताएंगे। पर आगे चलने से पहले एक ज़रूरी बात, ये लिस्ट या वीडियोस हम इसलिए नहीं बनाते कि आप जाकर इन स्टॉक्स को ख़रीद लें। ये वीडियोस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। किसी भी स्टॉक को लेने से पहले आपको खुद उस पर रिसर्च करना चाहिए, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने चाहिए और फिर अपना डिसीजन लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लिस्ट। नंबर 4 पे है अदानी ग्रुप की पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। अदानी पोर्ट्स अपने 52 वीक हाई से 23.31% नीचे ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 40.25% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 17.7% है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1.13 का है और कंपनी का पीई रेशियो 26.04 का है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 12% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 98% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 21% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। तीसरे नंबर पे है वायरलेस कम्युनिकेशन टावर्स के बिजनेस में एंगेज इंडस टावर्स लिमिटेड। इंडस टावर्स अपने 52 वीक हाई से 23.93% नीचे ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 25.89% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 24.56% का है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1.36 है और कंपनी का पीई रेशियो 12.87 का है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 20% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 7% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने -9% के कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न्स दिए हैं, यानी कि कंपनी का शेयर प्राइस नीचे गिरा है। नंबर 2 पे है इंडिया का लार्जेस्ट B2B मार्केट प्लेस इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। इंडिया मार्ट अपने 52 वीक हाई से 28.31% नीचे ट्रेड कर रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 41.65% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 29.58% का है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.04 है और कंपनी का पीई रेशियो 74.2 है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 21% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 145% बढ़ा है। ये कंपनी जुलाई 2019 को लिस्ट हुई थी, इसलिए इसका 5 ईयर रिटर्न अवेलेबल नहीं है। अपने आईपीओ प्राइस से कंपनी का शेयर प्राइस 633% बढ़ा है। पहले नंबर पे है फार्मास्यूटिकल्स फर्म औरोबिंदो फार्मा लिमिटेड। औरोबिंदो फार्मा अपने 52 वीक हाई से 31.38% नीचे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 13.76% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 27.53% का है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.24 है और अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का पीई रेशियो 8.12 का है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 12% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। कंपनी ने पिछले 1 साल में -14% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 0% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है, यानी कि कंपनी का शेयर प्राइस ऑलमोस्ट सेम लेवल पे स्टैग्नेंट रहा है। तो ये थे वो 4 लार्ज कैप स्टॉक्स जो अपने 52 वीक हाई से डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मार्केट्स के बारे में ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स देखते रहने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.